खबर पटना से आ रही है, जहां जिला प्रशासन की जांच के बाद खान जीएस कोचिंग को बंद किया गया है। कोचिंग के बाहर नोटिस चिपका दिया गया। जिला प्रशासन की जांच के बाद खान जीएस कोचिंग बंद हुआ है। कोचिंग बंद रखने का नोटिस भी कोचिंग के बाहर चिपका दिया गया है और जिला प्रशासन की जांच कमेटी ने कई खामियां पाई, जिसे लेकर कहा गया था कि इन कमियों को दूर कीजिए। बिहार कोचिंग रेगुलेशन एक्ट का पालन इन कोचिंग संस्थानों में नहीं हो रहा है। खान सर ने जांच दल को जल्द कमियों को दूर करने का हालांकि भरोसा दिया है। आपको बताते चले कि पटना में खान सर की कोचिंग की जांच की गई और जांच करने गई टीम को यहां पर कई खामियां मिलती हैं। यानी कि जो प्रोटोकॉल्स, जो गाइडलाइंस निर्धारित किए गए हैं सुरक्षा के लिहाज से बच्चों को ध्यान में रखते हुए, वहां पर खामियां देखी गई, जिसके बाद अब इसे बंद किया गया है। और पटना से हमारे साथ सहयोगी रजनीश इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। रजनीश, जांच के दायरे में पटना के तमाम कोचिंग सेंटर, लेकिन बड़ी खबर ये कि खान सर की कोचिंग में भी खामी और उसके बाद इसे बंद किया गया है। लेकिन विभाग डीएम चंद्रशेखर सिंह के निर्देश पर जो है कल जांच कमेटी जो है लगातार जांच करने में जुटी रही और पटना के तमाम जो वैसे इलाके हैं, खासकर मुसल्लापुर, भिकना पहाड़ी, नया टोला और जो ऐसे इलाके हैं वहां हड़कंप मचा रहा। जांच कमेटी की जो टीम है उसने खान सर के यहाँ भी दबिश बढ़ाई। उसके बाद खान सर के यहाँ तकरीबन आधे घंटे तक सदर एसडीएम जो है और टाउन डीएसपी के नेतृत्व में लगातार जांच होती रही, जिसमें अभी जाकर सूत्रों से जानकारी मिली है कि बड़े पैमाने पर यानी व्यापक कमियां पाई गई है। जो बिहार कोचिंग रेगुलेशन एक्ट है उसके तहत खान जीएस सेंटर उसका मानक को तय नहीं करता है, पालन नहीं कर पा रहा है। रजनी, जरा बताएंगे हमारे दर्शकों को कि किस किस तरह की खामी पाई गई है, क्या यहाँ पर जिस रोशनी की, हवादार होने की, बैठने के लिए बच्चों के लिए प्रॉपर इंतजाम की, एग्जिट और एंट्री की कई गाइडलाइंस हैं, उनमें किन किन मापदंडों पे खान सर की ये कोचिंग खरा नहीं उतर रही? देखिए, बिहार कोचिंग रेगुलेशन एक्ट के मुताबिक डीएम ने पांच बिंदुओं पर जांच की एक तरह से बात कही थी और उसी आधार पर जांच हुई है, जिसमें प्रवेश से लेकर निकासी की व्यवस्था हो, फायर एग्जिट की व्यवस्था हो, अग्निशमन की व्यवस्था हो, इसके साथ साथ जो बिल्डिंग बायलॉज है, सीटिंग अरेंजमेंट है, ये तमाम की। और सबसे बड़ी बात है कि रजिस्ट्रेशन है कि नहीं। खान सर के कोचिंग का रजिस्ट्रेशन तो है, लेकिन बाकी जो कमियां है, सीटिंग अरेंजमेंट में काफी कमी पाई गई, कैपेसिटी के मुताबिक जो है जगह नहीं है, प्रवेश और निकासी में कमी है, वेंटिलेशन नहीं है, जो सूरज की रोशनी आए या हवा आए किसी प्रकार की अगर भगदड़ हो जाए तो वहां पर निकलने की व्यवस्था नहीं है। इसके साथ साथ जो बिल्डिंग बायलॉज है उसका भी मानक तय नहीं कर रहा, पालन नहीं कर रहा खान जीएस सेंटर। कुल मिलाकर आज नोटिस चिपका दिए गए। हालांकि नोटिस किसने चिपकाया है ये अभी जानकारी नहीं मिली है, लेकिन खान जीएस सेंटर के दीवार पर बाहर में लिखा हुआ है कि आज कोचिंग बंद रहेगा। जाहिर है सैकड़ों स्टूडेंट हैं, जो जानकारी नहीं थी वो आए हैं और वहां से उन्हें लौट कर जाना पड़ रहा है। अच्छा, इन स्टूडेंट से रजनीश आपकी बात हो पाई क्या? स्टूडेंट्स की तरफ से जिन खामियों का हवाला अब जांच टीम दे रही है, ये स्टूडेंट्स इन खामियों को देखते थे, उन्हें लगता था कि भाई यहाँ पर ये व्यवस्था में कमी है, होनी चाहिए इन्हें? जो नामांकित बच्चे हैं वो खुलकर कैमरे पर नहीं कह रहे हैं, लेकिन कल प्रोटेस्ट किया गया है पटना के उसी इलाके में जहाँ पर छात्रों ने खुलकर कहा है कि काफी कमियां हैं और कंजेस्टेड इलाका है, बिल्डिंग मापदंड को पूरा नहीं करता है और इसके साथ साथ कभी भी हादसा होने का डर सता रहा है। यानी मुखर्जी नगर दिल्ली से कहीं ज्यादा खतरनाक है पटना का मुसल्लापुर, भिकना पहाड़ी और नया टोला का इलाका, ये छात्र भी कह रहे हैं। और कुछ देर के बाद न्यूज 18 की टीम वहां पहुंचेगी और छात्रों से भी बात करेगी कि आखिर क्या सब कमियां हैं, क्योंकि जो खान सर जो एक तरह से बड़ा नाम है उस कोचिंग में भी अब जिला प्रशासन की दबिश पड़ गई है, नोटिस भेजा जाएगा। बताया ही जा रहा है कि जिला प्रशासन टीम अब वहां नोटिस भेजेगी कि आपके यहाँ ये सब कमियां पाई गई है और आप बिहार कोचिंग रेगुलेशन एक्ट को आप फॉलो नहीं कर रहे हैं, आप उसके मानक को तय नहीं कर रहे हैं। रजनीश, चूंकि खान सर के कोचिंग की चर्चा दूर दूर तक है, यहाँ पर पढ़ने वाले स्टूडेंट्स बड़ी संख्या में पहुंचते हैं, ऐसे में क्या तमाम सेंटर्स, क्योंकि कहा जा रहा है कि प्रयागराज में भी इनका कोचिंग संस्थान है जहां पर बच्चे पढ़ने पहुंचते हैं, तो क्या ये जांच सिर्फ यहां इस पटना के इसी इलाके में हुई है या दूसरी जगह पर भी हुई है? देखिए, दिल्ली की जांच की आंच जो है पटना तक पहुंच गई है, लेकिन सिर्फ पटना तक ही सिमट कर नहीं रह जाएगी। जो सूत्र बता रहा है कि खान सर जैसे बड़े संस्थान और कई कोचिंग संचालक हैं जो रडार पर आ गए हैं, जिनके यहाँ छात्रों की संख्या हजारों में, लाखों में है, वैसे कोचिंग पर दबिश पड़ेगी। और उत्तर प्रदेश में भी कहा जा रहा है खान सर का कोचिंग है और खान सर फिलहाल पटना में नहीं है। रात की जांच के बाद खान सर पटना में नहीं, जानकारी मिल रही है।
और कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में भी जांच टीम जो है वहां पर जांच कर सकती है। और इसको लेकर पूरे देश भर में जो कोचिंग रेगुलेशन एक्ट है उसको लेकर भारत सरकार एक तो इसमें नियम बनाने जा रही है और इसके साथ साथ जांच टीम हर जगह गठित करके एक बड़े पैमाने पर कार्रवाई की भी तैयारी है। विभाग बिल्कुल रजनीश, क्या अब जब ये जांच हो रही है, चूंकि अब जाकर के खान सर के कोचिंग तक टीम पहुंची है लेकिन ये तो एक एक करके तमाम जगहों तक पहुंचेगी, क्या ऐसे में खान सर की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आई है? उन्होंने कुछ कहा है कि ठीक है भाई हमारे यहाँ अगर ये खामी है तो मैं इसे दुरुस्त कर लूंगा, कब तक कर लूंगा, कोई उनकी तरफ से स्टेटमेंट? देखिए न्यूज 18 की टीम लगातार प्रयास में जुटी है कि खान सर जो है अपना पक्ष रखें, क्योंकि कल जिस प्रकार से जिला प्रशासन की टीम पहुंची थी जांच कमेटी, खान सर ने उस कॉन्फ्रेंस किया और पूरी बातचीत हुई है, तकरीबन आधे घंटे तक इनसे बातचीत हुई है। जो भी कमियां हैं सदर एसडीएम ने इनके सामने कहा है कि ये सब कमियां हैं, उसके साथ साथ उन्होंने भरोसा दिया है कि इन कमियों को हम दूर करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी नोटिस भेजने की तैयारी है और हम कोशिश कर रहे हैं कि खान सर खुद रिएक्शन दें ताकि जो कमियां हैं वो सामने आ सके और अपना पक्ष रख सकें। जी हां बिल्कुल रजनीश, ऐसे में जिन खामियों की चर्चा हम भी कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं और जांच कमेटी भी कर रही है और अब तो भारत सरकार भी उसे लेकर अब गाइडलाइंस तय करने जा रही है, कड़े कानून बनाने जा रही है, ऐसे में जिस कंजस्टेड जगह की बात कही जा रही है ये क्या ऐसा है क्या कि दो चार दिनों में इसे दुरुस्त कर लिया जाए? तारों का जाल जहां पर मैं तस्वीरों को देख पा रही हूं या जिन लोगों को पटना की इस जगह के बारे में ग्राउंड रियलिटी पता है उन्हें पता है कि ये भी इलाका बहुत कंजस्टेड है, सटी सटे मकान हैं, दुकान हैं और संस्थान भी हैं, ऐसे में क्या इन कमियों को दूर करना आसान है? बिल्कुल एक बड़ी चुनौती है ना सिर्फ कोचिंग संचालकों के सामने बल्कि जिला प्रशासन और पूरी सरकार के लिए चुनौती है, क्योंकि बिहार का एक तरह से पटना जो है बिहार की राजधानी पटना ये टारगेट होता है पेरेंट्स का और यहाँ पर हजारों लाखों बच्चे पढ़ाई करने के लिए पहुंचते हैं, खासकर ऐसे 5-6 चुनिंदा इलाके हैं जहाँ पर कोचिंग संस्थानों का एक तरह से भरमार है वहाँ पर, और इन जगहों पर एक तरह से कई कमियों ही कमियां हैं और जिला प्रशासन की टीम अब जांच करने में जुटी है, लेकिन जो बिल्डिंग बायलॉज है उसे एक तरह से कोई भी कोचिंग संस्थान पूरा नहीं कर रहा उन मानकों को, और जो निकासी और प्रवेश है कहीं भी उस तरह की व्यवस्था नहीं है, अगर भगदड़ मच जाए कोई हादसा हो जाए तो अचानक सैकड़ों बच्चे बाहर निकल सकें, तो लगातार गोपाल मार्केट से लेकर नया टोला, भिकना पहाड़ी, इसके साथ साथ मुसल्लापुर इलाके में लगातार जांच टीम जो है जांच करने में जुटी हुई है। पटना जिले के तमाम सदर के अनुमंडल पदाधिकारी जो डीएम है चंद्रशेखर सिंह है उनके आदेश पर जो है जांच टीम लगातार जांच में जुटी है और भी कई कमियां पाई गई है जो जांच रिपोर्ट आने के बाद पता चलेगी। हालांकि खबर ये थी, अभी वहां बड़ी खबर हम जानकारी देते हैं, शिक्षा विभाग के एसीएस एस सिद्धार्थ भी कभी भी भौतिक रूप से सत्यापन करने निकल सकते हैं कोचिंग संस्थानों का, यह भी तुरंत की खबर है, हम जानकारी देते हैं एक्सक्लूसिव जानकारी कि शिक्षा विभाग ने भी अब संज्ञान ले लिया है, एसीएस एस सिद्धार्थ कभी भी राजधानी पटना के उन इलाकों में खुद भौतिक सत्यापन करने के लिए निकल सकते हैं, क्योंकि जिला प्रशासन ने जिस प्रकार से एहतियाती कदम उठाया है ऐसे में शिक्षा विभाग ने भी एक तरह से सराहना की है और खुद एसीएस फिजिकली जो है कभी भी कोचिंग संस्थान में दबिश बढ़ा सकते हैं, वो जांच करने निकल सकते हैं और इसके लिए कड़ा जो नियम कानून है उसको भी जारी किया जाएगा, गाइडलाइन जारी होगा और इसको लेकर पूरे बिहार सरकार को एक तरह से अब मानकों का पालन करना होगा, कोचिंग संचालकों के लिए बड़ा आदेश जारी किया जाएगा, एसीएस एस से जांच कभी भी ऐसा कर सकते हैं और गाइडलाइन जारी हो सकता है। बिल्कुल रजनीश, चूंकि खान सर इनका ये कोचिंग संस्थान और उनका खुद का नाम ये चर्चा में रहता है हमेशा से और इसे पढ़ने और इससे लाभान्वित होने वाले संख्या भी छात्रों की बहुत ज्यादा है, ऐसे में सिर्फ खान सर की ही बात क्यों, तमाम जब कोचिंग सेंटर की बात होगी तो वहां पर पांच जिन बिंदुओं पर जांच हो रही है उनमें कितने बिंदुओं पर ये संस्थान खरे उतर रहे हैं? देखिए बिल्डिंग बायलॉज सबसे बड़ी कमी है, क्योंकि एक बिल्डिंग में इस प्रकार से सैकड़ों हजारों बच्चे पढ़ाई करते हैं और जो निकासी है प्रवेश है सबसे बड़ा सवाल है कि एक तरफ प्रवेश करने का एक तरफ निकासी करने की व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन कई ऐसे कोचिंग संस्थान है जहां पर लाइब्रेरी भी है और निकलने और प्रवेश करने एक तरह से बाहर निकलने और प्रवेश करने के लिए कोई एक ही रास्ता है, इसके साथ साथ फायर एग्जिट सिस्टम नहीं है उनके पास, दूसरी बड़ी बात है वेंटिलेशन नहीं है, तीसरी बड़ी बात है बिल्डिंग जो है पूरी तरह से कमजोर है, पुराना भवन है और ये 4 से 5 दशक से ये कोचिंग संस्थान उसी भवन में चल रहा है। बता दें आपको कि धीरे धीरे कोचिंग की संख्या तो बढ़ती गई लेकिन बिल्डिंग का एक तरह से जो पैमाना है वो नहीं बदला है और बिहार सरकार की बिल्कुल यानी एंट्री और एग्जिट एक ही जगह से, और देखिए जो जांच टीम भी पहुंची उसे भी इन एक एक करके ही ऊपर चढ़ना पड़ रहा है, यानी कि अगर कोई हादसा हो जाए तो वहां पर स्थिति कैसी होगी समझा जा सकता है इन तस्वीरों के जरिए, और 5 में से सिर्फ 1 या 2 मानकों पर ये कोचिंग संस्थान चाहे वो बड़े हों या छोटे हों खरे उतरते हुए नजर आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश तमाम जानकारी।